Cruelty Vlogs, एक बार फिर से आज की वीडियो में बहुत एक्साइटिंग होने वाली है एंड आई एम रियली एक्साइटेड अंदर से भी टू शेयर दिस कंटेंट विद यू। आज हम रिव्यू करने वाले एक माइक को, ठीक है। और माइक एक ऐसी चीज़ है जो भाई मैं 3 साल से ना एक परफेक्ट माइक ढूंढ रहा हूँ, जो कंपैटिबल हो, जो बहुत ही इजीली कैरेबल हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो और उसका साइज बहुत रिलेटिवली स्मॉल हो। तो जितने भी लैब माइक्स मार्केट में आते हैं उनका यूजुअली साइज बड़ा होता है, बहुत सारी वायर्स होती है, वायरलेस ट्रांसमिशन हाई फिडेलिटी वाले नहीं होती। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीलैंड लार्क M2। ये रिसेंटली मार्केट में आया, आई थिंक इट्स बीन 2 or 3 months। ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है बट भाई ये कंपनी ऐसी है विच इज़ मेकिंग अ हेल लॉट ऑफ इनोवेशंस। अब इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साइज छोटा करके बेच दिया, हाँ भाई ये लो ये रही इनोवेशन। ऐसी इनोवेशन जो मैंने पर्सनली किसी माइक में आज तक नहीं देखी एंड आई सॉ सम रिव्यूज अबाउट इट, किसी ने भी इतनी ज़्यादा इनोवेशन एक इतने छोटे एंड कम्पैक्ट एंड इतनी बहुत अच्छी क्वालिटी माइक्रोफोन में नहीं देखी। तो आज हम खोलने वाले हैं हॉलीलैंड लार्क M2। बिग थैंक्स टू हॉलीलैंड फॉर सेंडिंग दिस प्रोडक्ट। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, मतलब मैं फटाफट फीचर बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस माइक्रोफोन इज बटन साइज, मतलब आई थिंक इतना सा माइक्रोफोन होने वाला है ये एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट माइक्रोफोन अवेलेबल इन द मार्केट। सेकंड वन इज एडवांस्ड ENC। नाउ ENC स्टैंड्स फॉर आइदर एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन या फिर एनहांस्ड नॉइज कैंसलेशन। तो इतने से माइक में आपने एक स्पीकर भी डाला, आपने ट्रांजिस्टर भी डाला और आप उसमें नॉइज कैंसलेशन भी डाल रहे हो, दैट इज अ बिग डील ब्रेकर फॉर मी। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं बैकग्राउंड नॉइज इज अ बिग प्रॉब्लम, और अगर हम बैक एंड में भी शूट कर रहे हैं, इवन दो अगर मैं रूम में भी शूट कर रहा हूँ तो वॉइस गूंजती है काफी, तो एनहांस्ड ENC से वो चीज़ें सारी रेडिकेट हो जाएंगी। नेक्स्ट अप इज हाईफाई साउंड। हाईफाई साउंड का मतलब ये नहीं है कि भाई हाईफाई है, लग्जूरियस साउंड है। हाईफाई स्टैंड्स फॉर हाई फिडेलिटी, जिसका मतलब होता है कि जो साउंड क्वालिटी है, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 32 kHz और हायर, ठीक है। देन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऐप के थ्रू। तो इसका एक ऐप होता है, तो आपने बस क्या कि अपना ट्रांजिस्टर जो है वो फोन में कनेक्ट कर दिया एंड उसके थ्रू आप से कंट्रोल कर सकते हो कितने आपको वॉल्यूम चाहिए, कितना आपको ट्रेबल चाहिए, कितना आपको बेस चाहिए अपनी वॉइस में, एंड एडिटिंग के टाइम भी ये सारी चीजें आई मूवी में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो भाई बिना देरी करते इसको खोलते हैं एंड द बेस्ट फीचर जो मुझे पर्सनल लगा कि भाई इसका जो ट्रांजिस्टर है उसको डायरेक्ट आप फोन में अटैच कर सकते हो एंड वहीं से आपका काम शुरू है। क्योंकि जितने भी लैब माइक्स माइक्रोफोन मार्केट में आते हैं उनमें बहुत सारी वायर्स होती हैं, और जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो स्पेशली जब आपका आर्म डिस्टेंस होता है, ऑल दोज वायर्स हैंगिंग आउट इज नेवर गुड साइड। तो इसको खोलते हैं फटाफट एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। वो इसकी कॉस्टिंग वगैरह मैं सारा आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा एंड इफ यू रियली वांट टू परचेज दिस एज वेल, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देख सकते हो, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसमें 3 variants आते हैं, एक जो USB-C टाइप के साथ आता है, एक जो अपना लाइटनिंग के साथ आता है, और एक कॉम्बो सेट भी आता है जिसमें दोनों अवेलेबल होता है प्लस द कनेक्शन टू द कैमरा। तो वही काफ़ी स्लीक पैकेजिंग है इसकी, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर आप देखोगे तो उसका जो डिज़ाइन है स्टोरेज का, ये बिल्कुल एक एयरपोर्ट जैसा डिज़ाइन है जिसमें आपकी बैटरी ऑलरेडी होती है, 10 hours बैटरी का बैकअप तो आप ऑलरेडी माइक से मिल रहा है, और अगर आप केस में लगा रखते हो तो यू गेट 20 more hours ऑफ बैटरी। तो कुल मिला के वी हैव 40+ hours ऑफ बैटरी लाइफ ऑन दिस माइक। सील खोली जाए इसकी, वह सबसे पहले आपको इसका वारंटी कार्ड मिल जाएगा, 2-3 sticker मिल जाएंगे क्योंकि बेसिकली यही साइज है माइक का। तो अगर मैं बताऊँ तो जो आपका $1 का कॉइन होता है उतना ही साइज है इस माइक का, विच इज रियली इंप्रेसिव। देन नेक्स्ट अप इज योर माइक इटसेल्फ, ये बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा केस दिया हुआ है इन्होंने, खोल के देख लेते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी फिनिश है एंड दैट्स रियली टैक्टाइल, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना छोटे से केस में यू कैन हैव अ थिंग। और इसमें भी USB-C चार्जिंग केबल यूज होती है, तो आप इसको अपने फोन के साथ यूज कर सकते हो। अब बेसिकली जैसे मैं यूज कर रहा हूँ iPhone 15 Pro जिसमें USB-C है, इसलिए मैंने USB-C वाला वर्जन मंगाया, बट अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो तो आप प्रॉपर एक कॉम्बो मंगा सकते हो जिसमें आपको लाइटनिंग USB-C प्लस द कैमरा वर्जन मिले। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू ओपन अप, उसमें आपको मिलता है पहला माइक, दूसरा माइक और उसका जो आपका रिसीवर आपके फोन पर कनेक्ट होगा। तो भाई अगर हम रिसीवर की बात करें तो बहुत लाइट वेट है, आपको बस ये कनेक्ट करना है अपने फोन पे और आपका जो माइक्रोफोन है उसका लिंक हो जाएगा। मतलब इससे ज्यादा इजीली एक्सेसिबल माइक मैंने नहीं देखा इस रेंज में, क्योंकि बेसिकली दिस माइक इज बिल्ट फॉर व्लॉगिंग, जिसको ऑन द गो वीडियोज बनानी होती है, शॉर्ट्स बनाने होते हैं, बहुत बैकग्राउंड नॉइज होता है, तो उसके लिए ये इसका रिसीवर। भाई दैट्स द साइज ऑफ द माइक एंड इसमें एक अगर मैं तुम्हें फीचर बताऊं कि ये ना मैग्नेट से चिपका होता है, तो इफ यू सी इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है कि निकलने में भी देर लगती है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू पुट इट ऑन योर टी-शर्ट और मैग्नेट से चिपक जाएगा। तो बेसिकली ये साइज रहेगा आपके माइक का एंड यू कैन यूज दैट एनी टाइम एनीवेयर, और इतना छोटा है कि यूजली दिखेगा नहीं। जो लोग लैब माइक्स यूज करते हैं तो अपनी बॉडी पे चिपकाते हैं या वो इस पे क्लिप लगाते हैं, दैट्स रियली बल्की। इस साइज में मतलब मैं भी वीडियो में देख रहा हूँ, दैट्स रियली स्मॉल। इस साइज में इसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी बस, क्योंकि जितने भी टेक मार्क हो सकते थे भाई हर चीज में अच्छा है माइक्रोफोन, बट जब तक क्वालिटी टेस्ट नहीं होगी तब तक भाई मैं फाइनल वर्डिक्ट दे नहीं सकता, ठीक है। बॉक्स में और क्या है भाई, ये एक अलग सा बॉक्स है जिसमें आई थिंक आपकी बाकी एक्सेसरीज होंगी। इसके अंदर प्रॉपर एक पाउच दिया हुआ, सो दैट्स इजी टू कैरी एज वेल,
हॉलैंड ब्रांडिंग के साथ। इसके अंदर क्या क्या है, दो मफलर्स भी हैं इसमें कि अगर आप विंड में शूटिंग कर रहे हो तो आप ये मफलर्स माइक के ऊपर रख सकते हो एंड दैट विल कैंसल आउट द विंड नॉइज। यूएसबी सी चार्जिंग के लिए वैसे नीड होगी नहीं बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग अ फोन विद यूएसबी सी, बट अगर आपको चार्ज करना है गाड़ी वाड़ी में यू कैन यूज दैट। एंड देन दिस इज, ये भी भाई कुछ जेन्युइन आइटम लग रहा है जो कि मैग्नस चिप का हुआ था। वी हैव टू बैग्स इनसाइड। ये एक इसका प्रॉपर, अगर आपको अपनी टी शर्ट पे क्लिप करना और अगर आपको मैग्नेट यूज नहीं करनी तो आप ये क्लिप यूज कर सकते हो हॉलैंड ब्रांडिंग के साथ, विच इज अगेन मैग्नेटिक। इसमें आप अपना माइक चिपका सकते हो एंड यू कैन क्लिप दिस ऑन लाइक नॉर्मल माइक टू योर टी शर्ट, वो भी अच्छी एक्सेसिबिलिटी के साथ है। ये काफी अच्छा फीचर है जो आई थिंक काफी इनोवेटिव बोलूंगा मैं, जिसमें प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस नहीं है बट इट इज ऑल अबाउट एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें आपको एक लैनयार्ड जैसा मिलता है, दिस इज लाइक अ लैनयार्ड कह लो या नेकलेस कह लो, या एक नेकलेस जैसा है, इसको आप पहन सकते हो और आपका माइक इस चीज़ पे चिपक जाएगा। तो उससे क्या होता है कि इट्स बिकम्स इवन मोर डिस्क्रीट। आपने पहना होगा और आपके माइक यहाँ पे होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, दिखेगा भी नहीं एंड यू कैन डू द व्लॉगिंग एट द सेम टाइम। सो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। इतना कॉम्पैक्ट एंड इतनी प्रीमियम पैकेजिंग, मतलब इसका कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, इसकी जो फील है लाइक जो मैट फिनिश उन्होंने दिया एंड कंसिडरिंग द कॉस्ट, दिस इज रियली रियली अफोर्डेबल। और इस मार्केट में जहाँ पे आपको अनगिनत माइक्स मिल सकते हैं, अनगिनत आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे और बहुत सारे ब्रांड्स चाइना से आते हैं, नॉट एवरीबडी कैन बी ट्रस्टेड, बट दिस इज वन ब्रांड विच आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर एंड स्ट्रेट अवे इसकी टेस्टिंग चालू करते हैं। तो भाई मैं हूँ अपने बैकयार्ड में, ये मेरी अभी नॉर्मल वॉइस है जो मैं अपने फ़ोन से ले रहा हूँ। इसमें आपको पीछे गाड़ी की आवाज़ भी आएगी, हवा की आवाज़ भी आएगी, फलानी आवाज़ भी आएगी और यहाँ से जो वॉइस बाउंस बैक हो रही है वो भी आएगी। दिस इज़ द नॉर्मल वॉइस। और ये अपना सेकंड शॉट जिसमें मैंने माइक पहन लिया है, एक्टिवेटेड है। और अब पीछे कभी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, पीछे अभी भी शोर हो रहा है, बस का शोर हो रहा है। तो मेक श्योर यू टेल मी डाउन इन द कमेंट्स कि भाई तुम्हें डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा, एंड जो क्लैरिटी है वॉइस की वो कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, एंड इज इट वर्थ इट। ये एक इंडोर टेस्ट है विदाउट द माइक, क्योंकि मुझे पता है मेरे रूम में आवाज़ काफ़ी गूंजती है और सामने विंडो है वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती है। तो ये एक सैम्पल है नॉर्मल का जो मैं अपने फ़ोन की ऑडियो से यूज़ कर रहा हूँ। ये अगेन सैम्पल है मेरे माइक का जो मैं माइक में यूज़ कर रहा हूँ। सेम रूम सब कुछ सेम है, सेम आवाज़ आ रही है। सो मेक श्योर यू टेल मी कि इंडोर यूजेज में भी कैन यू फील द डिफरेंस ऑन द माइक और नॉट। अनदर थिंग टू बी नोटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट कि भाई जब इसकी लाइट ग्रीन है मतलब ये नॉर्मल मोड पे है जिसमें आपकी वॉइस नॉर्मल माइक्रोफोन से आएगी जैसे आनी चाहिए, बट इफ़ यू प्रेस द स्मॉल बटन तो लाइट हो जाती है ब्लू, जिसका मतलब है कि अब यह है नॉइज कैंसलेशन वर्जन पे। एंड अगेन यू कैन सी द साइज़ की भाई इसका साइज काफ़ी टाइनी है एंड यू कैन सी बिटवीन माई फिंगर्स हाउ स्मॉल इट इज़। सो गाइस दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी भी काफ़ी तेज़ म्यूजिक चल रहा है पीछे फीफा का, बट आई एम नॉट श्योर कितना उसमें म्यूजिक आ रहा है एंड कितना इसकी क्वालिटी आ रही है। बट हाँ, अगर आपको भी ये सेम माइक लेना है और यू फाइंड इंटरेस्टेड टू नो मोर, मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अपने को माइक में इन्वेस्टमेंट करनी थी, बिना इन्वेस्टमेंट करे एक माइक मिल गया है। और अब से जितने भी लोग कहते थे ना कि मतलब ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है विंड की बाहर जो भी, अब से वो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो इफ़ यू डिड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल मेक श्योर यू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को ऐसा कंटेंट और चाहिए हो तो, एंड डू चेक आउट दर प्रोडक्ट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।